एलजी सक्सेना से मिलने पहुंचे सीएम केजरीवाल। 45 मिनट तक चली बैठक में मचा बवाल। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में भारी हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही सोमवार को स्थगित कर दी गई, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सेवा बिल पेश नहीं हो सका। अब बिल मंगलवार को पेश होने की संभावना है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक बैठक चली। हालांकि बैठक के बाद केजरीवाल बिना मीडिया से बात किए निकल गए। सूत्रों की माने तो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सभी सांसदों को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सरकार के अध्यादेश को लेकर पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सभी सांसद 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहे, पार्टी लाइन का पालन करें। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधित ऑर्डिनेंस 2023 के जरिए केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और सेवा से जुड़े फैसले अब NCCSA के जरिए होंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रमुख बनाने की बात कही गई है, लेकिन फैसला बहुमत से होगा। माना जा रहा है कि लोकसभा में केंद्र सरकार इस बिल को आराम से पास करा लेगी, लेकिन राज्यसभा में मामला अटक सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। अध्यादेश पर ही विपक्षी दलों का समर्थन लेने के लिए केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात करने में लगे हैं। राज्यसभा में इस बिल को लेकर विरोध में समर्थन मांग रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।